आइए आप देख रहे हैं 17 ब्लॉक में हम लोगों ने पानी की लाइनें डाली हैं, यहाँ पर सीवर नए बिछाए गए हैं और उसके बाद ये इंटरलॉकिंग कलर टाइल्स पूरे एरिया में लगाई गई हैं। और आइए आपको मिलवाते हैं 17 ब्लॉक के लोगों से ही, वो बताएंगे कि सीवर और पानी के बाद उनको क्या फ़र्क लगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी, कुछ फर्क लगा आपको? फर्क लगा, हमें अब पानी भी मिल रहा है, हमें पार्क में भी अच्छी सी मतलब झूले वगैरह लग गए, सब अच्छी सी फैसिलिटी करी है और पानी की भी सप्लाई अच्छे से हो रही है। अब तो पानी ठीक आता है आपका जब से ये सरकार आई है? ठीक है जी। और सीवर बढ़िया से डल गया आपका? सीवर बहुत चल गया, ओपन जिम लग गया पार्कों में, ओपन जिम सर्वे कैमरे भी लगा दिए हो गई अब सबके लिए, बहुत फैसिलिटी लग गई अच्छे से, 5 सालों में बहुत तरक्की करी है सर। सबसे मेन जो पानी की समस्या थी, पानी गंदा था, वो ठीक हो गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो इस लाइन पे लोग 11 साल से कह रहे थे कि हमारा सीवर नया डाल दें, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज आम आदमी पार्टी बनने के बाद या मोहल्ला सभा होने के बाद मोहल्ला सभा में आवाज़ उठाएगी कि यहाँ पर सीवर लाइन डलनी चाहिए, पानी की लाइन डलनी चाहिए, जिम लगना चाहिए, नई लाइटें लगनी चाहिए। ये सब चीज़ें जनता की डिमांड पे सरकार ने काम किया और जो जो जनता ने कहा वही हम लोगों ने काम किए। पुरानी सरकारों की तरह नहीं कि इलेक्शन आए और ईंटों के खड़ंजे बिछा दिए जाएं या प्लास्टर उतार के दोबारा प्लास्टर कर दिया जाए। आज बहुत जगह पे पानी की समस्या, सीवर की समस्या थी, उसको बहुत सुचारू रूप से हमने विधानसभा में बदला है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे शायर ने बताया कि 20 साल के काम अधूरे जगदीप सिंह ने किए पूरे, अगर उसने ये बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये दम है।